लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मीडियम क्या होता है जिसके थ्रू क्या होता है लाइट ट्रैवल करता है, पास करता है। सो आज हम लोग देखते हैं कितने टाइप के मीडियम होते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप के मीडियम होते हैं। कौन कौन से? वो देखिए, पहला जो है हमारा वो है ओपेक मीडियम। व्हाट डू मीन ओपेक मीडियम? देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं कि एक टॉर्च यहां पे जल रही है और सामने एक एप्पल बॉक्स सेब रखा हुआ है और यहां से लाइट निकलती हुई आपको दिख रही है, लाइट आ रही है, बट इधर में कोई नो लाइट, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? नो लाइट कैन पास थ्रू द मीडियम, दैट इज द एप्पल से कोई लाइट पास नहीं हो रहा है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, और सिंपली वी कैन से दैट अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से देखे? एग्जाम्पल मेटल, वुड, जितने भी सॉलिड चीजें आपको दिख रही है जिसके थ्रू क्या हो सकता है? सॉलिड चीजें इन सेंस ऑफ की जो लाइट को पास नहीं होने देगा, प्रोपगेट नहीं होने देगा अपने अंदर से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, मतलब जहां जिसके थ्रू क्या हो सकता है? लाइट पास हो सकता है। यहां पर आप देखिए एक यहां पर बल्ब जल रही है और यहां पर क्या है? एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के थ्रू देखिए बल्ब का लाइट यहां से गया और ये पास होकर बाहर उस साइड निकल गया। सो क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम? क्या होता है? द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपगेट, लाइट कैन पास इजिली। एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हम लोग विंडो, अपने घर में विंडो लगाते हैं, कार में विंडो लगा हुआ है, सभी जगह पे खिड़कियां लगी होती है, कांच की, ग्लास की लगी होती है। क्यों? ताकि बाहर से लाइट क्या हो सके? अंदर की ओर आ सके या अंदर से लाइट बाहर की ओर जा सके। सो दूसरे टाइप हो गया हमारे कौन से है? वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब एक कैसा तीसरा टाइप का मीडियम है ट्रांसलूसेंट मीडियम? हम लोग इस पिक्चर को पहले देखते हैं। यहाँ पे एक टॉर्च जलाया गया और यहाँ पे एक सीट रखी हुई है। इस सीट के थ्रू देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लाइट की जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे लाइट कम पास हो रहा है, मतलब पार्शियल लाइट, कुछ लाइट पास हो रही है और कुछ लाइट रोक दी जा रही है मीडियम के द्वारा। सो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम द मीडियम बाई विच लाइट कैन पास पार्शियली, द मीडियम बाई विच लाइट कैन पास पार्शियली इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल देखिए पेपर, आप पेपर से देखते हो लाइट के थ्रू, देखिए पेपर के सामने अगर पेपर आप रख देते हो अपने सामने तो उस साइड एक शैडो टाइप का बना हुआ दिखता है, बट क्या क्यों दिख रहा है? कोई भी चीज़ बना हुआ दिखता है बट एग्जैक्टली क्लियरली नहीं दिखता है कि क्या बना हुआ है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लाइट जो है, जो लाइट यहाँ से सोर्स से निकली थी, वो लाइट कंप्लीटली इसको पार नहीं कर पाया, पेपर को पार नहीं कर पाया। दूसरा है ग्राउंड ग्लास। ये दो एग्जाम्पल है जिस जो क्या एक्सप्लेन करता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम को एक्सप्लेन करता है। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वन इज कॉल्ड रियल इमेज, अनदर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज का मतलब क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकली और किसी भी मीडियम में पृथ्वी सरफेस टकराने के बाद क्या होता है? किसी अदर जगह पे हमारी उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता। सो इमेज, व्हाट इज इमेज? देखिए यहाँ पर डिफिनेशन, एन इमेज में बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो ये रिफ्लेक्शन में भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन में हो सकता है। तो रिफ्रैक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज रियल? देयर आर टू टाइप्स इमेज, वन इज कॉल्ड द रियल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं? जैसे सिंपली आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग अपने आप को जब शीशा में देखते हैं तो वो कैसा इमेज होगा? वो रियल इमेज नहीं होगा। शीशा में अगर हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हम क्या देखते हैं? अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं। तो अगर वो इमेज रियल हो गया, अगर वो इमेज रियल है, तो क्या आप रियल नहीं है? दैट मीन्स जो हम लोग मिरर में देखते हैं वो रियल इमेज नहीं है, जो कि हमको लगता है कि वही रियल इमेज है। हम जो है वो खुद रियल है, तो हमारा इमेज वो रियल नहीं होगा, वो कैसा होगा? दूसरे टाइप के इमेज होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रियल इमेज किसको बोलते हैं? सो व्हाट इज रियल इमेज? द इमेज विच कैन इजिली थ्रोन और इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन। जैसे आप देख सकते हैं सिनेमा में मूवी हम लोग देखते हैं, वो कैसा इमेज है? रियल इमेज है, क्योंकि उसके आसपास में कोई जो हीरो हीरोइन रहती है वो बैठी हुई नहीं होती है, जिसका रिफ्लेक्शन होकर के वहाँ पर इमेज दिखता है। दैट इज जो हीरो हीरोइन का या वो कैरेक्टर का एग्जैक्टली वही इमेज वहाँ पर्दा पर दिखाया जाता है। सो वो होता है रियल इमेज।
राइट, और हम अपने आप को जो देखते हैं मिरर में वो रियल इमेज नहीं है। सो बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं सिनेमा हॉल में या फिर मोबाइल में जो देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब कैसा है, वो सब रियल है। देखिए आप रियल इमेज का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज रियल इमेज। सो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और सामने हमारा एक कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, या जनरली आप एक स्ट्रेट मिरर ले सकते हैं, सिंपल एक मिरर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हुआ, एक रे आई इस मिरर पे, इंसिडेंट हुआ और यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गया। एक दूसरी रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गया, और ये पॉइंट पे जाके क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट अपर वाले पॉइंट थे वो यहाँ पे लोअर वाले पॉइंट बन गए, लोअर वाले पॉइंट ये वाले ऐसे ऐसे गए और वापस रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ के आ गए। सो यहाँ पर एक क्या हुआ, पिक्चर बना। वो पिक्चर कैसा है, एग्जैक्टली एज इट इज, जो ऑब्जेक्ट का पिक्चर था वो ऑब्जेक्ट का पिक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। ये कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना। सो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज बोलते हैं, जो सामने आपके बनेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज अबाउट द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन नॉट बी इंसिडेंट और ड्रोन ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, और वी कैन से द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा इमेज हमको दिखता है मिरर में है, मिरर के अंदर हम अपने आप को देखते हैं, बट वो कहाँ बनता है, जस्ट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। सो उसके बारे में पढ़ेंगे कि मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी है, एक आदमी खड़ा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, और सामने क्या है, एक बड़ी सी मिरर है, ये क्या है, दिस इज द मिरर, ठीक है। क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से एक रे आई और यहाँ पे अपीयर हो रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे चला गया, एक रे आई यहाँ पे अपीयर हो गया। यहाँ से हम लोग अगर दूसरे आदमी या मैं अपने आप को, खुद को आप अगर आप देखते हो या कोई दूसरा देख रहा है उस मिरर में, तो उसको क्या लगेगा कि आदमी जो है वो इधर में है, कहाँ पे, पीछे। बट क्या ये एक्चुअल है, दिस इज नॉट एक्चुअल, एक्चुअल क्या होगा, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल, एक्चुअल या रियल, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ये उसका इमेज बना, ये इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग रियल नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्ट रियल होता है तो उसका इमेज जो इस केस में बन रहा है प्लेन मिरर से, वो कैसा हुआ, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। सो आपको वर्चुअल इमेज के बारे में, रियल इमेज के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्लेन मिरर हुआ तो इमेज ये यहाँ का यहाँ बना कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उसका एक इमेज यहाँ बना है, ठीक है। कुछ रेज है, कुछ रे आपको दिख रहा है कि ये सारे रे है। सो ये रेज जो है वो कैसे बनाते हैं हम लोग, वो थोड़ा समझते हैं। सो पहला स्टेप होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का, बाय द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, राइट। इसके बाद हम लोग कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, वहाँ पे सभी जगह पे डिफरेंट पोजीशन पे जाकर के हमको इमेज फॉर्मेशन सीखना है। सो पहला स्टेप, पहले हम लोग सीखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सो देखिए अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो मान लीजिए एक का क्या है आपका, यहाँ पे एक मिरर है, दिस इज द मिरर, ये आपने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपने एक इमेज बनाया, ए ऑब्जेक्ट, सॉरी ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनेगा कहाँ पे, हम लोग जानते हैं इसका इमेज जस्ट पीछे बनने वाला है, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना है, किसी एक पॉइंट से दो रे लेनी है, कितने रे लेनी है, दो रे। मान लीजिए कि एक आपने क्या ले लिया, जस्ट स्ट्रेट ले लिया, एक स्ट्रेट ले लिया। सो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये आगे आ गया, ये रे ऐसे आते हुए दिख रहा है हमको। एक दूसरी रे लेते हैं हम लोग, कुछ एंगल से लेते हैं, सम एंगल, एक और रे हम लोगों ने ले लिया, ये रे जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ, ये अगर आप नॉर्मल बना लेते हो, दिस इज द नॉर्मल, तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमको क्या दिखेगा, वो ऐसे इस तरह से हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो पीछे हमको यहाँ पे वो दिखता है, तो ये जो ए था वो कहाँ बना गया, यहाँ पे ए बन गया। सिमिलरली हम लोग पॉइंट बी से हम लोग अगर फ्रेम सिमिलरली हम लोग लेते हैं,
पॉइंट बी से लेते हैं, सो मान लीजिए यहां से एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया, तो क्या होगा, वो सिमिलरली उसी तरह से बैक आ जाएगा और हमको ये इधर से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर एक और एंगल ले लीजिए आप यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एंगल या सम एंगल आप ले लीजिए, ले लिया हमने। अगर ये आपका नॉर्मल है तो क्या होगा, ये यहाँ से सेम एंगल से यहाँ बनता हुआ चलाएगा, तो आप इसको क्या करिएगा, सीधे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया आपका, पॉइंट बी बन गया। अब क्या कीजिए आप, इन दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए ए और बी को। हम लोगों ने क्या लिया, सिर्फ दो पॉइंट लिया था, इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, जितने पॉइंट लीजिएगा। सो टॉप पॉइंट लिया और लोअर पॉइंट लिया हमने, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट रहेंगे और सारे पॉइंट जाकर के इस तरह से एक पॉइंट देते देते क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एक। और क्या देखेंगे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन गया यहाँ पे, सो ये इमेज बना। अब ये इमेज जो बन गया, सिंपली क्या जरूरत है, किसी एक पॉइंट से आपको दो रे निकालने हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेज को रिफ्लेक्ट कराना है, अपने आप क्या बन जाएगा आपका, ये इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, जानना है कि जो इमेज ये जो बना, ये जो इमेज बना इसका डिस्टेंस कितना है मिरर से पीछे। सो हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, ये जितने आगे हम मिरर से खड़े हैं या ऑब्जेक्ट जितना आगे है, इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। क्या समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट जितना आगे है इमेज उतना ही पीछे बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन दे देता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। आप सिंपली बोल देना है 10 मीटर बिहाइंड द मिरर। क्या होगा, अगर ये 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर आगे है तो कहां बनेगा, इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है। सो आप लोगों को लगता होगा ये इमेज फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा ये लाइट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आप ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो आप हमें नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू, जय हिंद।